नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी में पंचायत चुनाव होने वाले हैं और उन पंचायत चुनावों से ठीक पहले कई तरीके की गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। दरअसल पंचायत चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को दुरुस्त किया जा रहा है और ऐसी जानकारियां सामने आ रही हैं जिसमें पता चलता है कि पंचायत चुनाव के लिए जो वोटर लिस्ट बनाई जा रही है उसमें कई ऐसी गड़बड़ियाँ हैं जिससे साफ पता चलता है कि अधिकारी अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं या फिर इसके पीछे उनके कुछ निहितार्थ हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक कुशीनगर में ऐसा मामला सामने आया जिसमें दो बच्चों को बीएलओ ने वोटर लिस्ट में डाल दिया जो वोट भी नहीं दे सकते, लेकिन गड़बड़ तरीके से इन लोगों के नाम को न सिर्फ शामिल किया गया बल्कि कई ऐसे मामले सामने आने शुरू हुए हैं। पंचायत चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने का काम इसलिए भी हो रहा है क्योंकि सरकार और दूसरी राजनीतिक पार्टियाँ चाहती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वोटर लिस्ट में शामिल हो जाएँ और वो वोट करके उनके कैंडिडेट्स को जिताएँ, लेकिन जिस तरह की गड़बड़ियाँ सामने आ रही हैं वो बेहद हैरान करने वाली हैं। कुशीनगर के इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और बीएलओ के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी है, लेकिन ऐसे कई मामले हैं जिसमें वोटर लिस्ट में फर्जी वाले की शिकायतें विपक्षियों की तरफ से लगातार मिल रही हैं जिसमें घर में होने वाले सदस्यों से ज़्यादा लोगों को शामिल किए जाने की बात भी शामिल है। इसके अलावा कई ऐसे लोगों के नाम भी शामिल हैं जिन लोगों की मौत हो चुकी है या फिर शहर बदलकर जगह बदलकर भी कहीं जा चुके हैं, बावजूद इसके पंचायत चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में उनके नाम बीएलओज के द्वारा शामिल किए जा रहे हैं। विपक्ष का निशाना सरकार पर है और उनका कहना यह है कि जानबूझ करके फर्जीवाड़ा इसलिए किया जा रहा है ताकि अपने जानने वाले लोगों के नाम शामिल करके वोटिंग वाले दिन फर्जीवाड़ा किया जा सके और उसका सीधा फायदा पंचायत चुनावों में सरकार को मिल सके, उनके कैंडिडेट्स को मिल सके। हालांकि सरकार का कहना साफ तौर पर है कि ये अधिकारियों की तरफ से की गई चूक है और इस पर सरकार का कुछ भी लेना देना नहीं है और वो चाहते हैं कि पारदर्शी तरीके से ये चुनाव हो, इसीलिए एक बार फिर से वोटर लिस्ट का सत्यापन कराया जा रहा है और उसमें नाम जोड़े घटाए जा रहे हैं। बहरहाल वजह चाहे जो भी हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, पंचायत के चुनाव हो या फिर कोई और चुनाव हो, हर बार इस तरह की गड़बड़ियों की शिकायतें सामने आती हैं, मामले दर्ज होते हैं और एक्शन लिए जाने की बात होती है, लेकिन नतीजा कुछ ऐसा नहीं निकलता जिससे कि आगे इस पर रोक लग सके। इसकी वजह भी साफ है, राजनीतिक पार्टियाँ चाहती हैं कि उनके लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोटर लिस्ट में शामिल रहें जिससे उनके वोट लिए जा सकें, और जब किसी की सरकार होती है तो वो अपनी तरफ से भरसक कोशिश करते हैं कि हर तरीके से लिस्ट चुस्त दुरुस्त रहे जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे करके लोग उनके कैंडिडेट्स को जिता सकें। कुशीनगर की इन शिकायतों के बाद कार्रवाई शुरू हो गई है और तमाम जगहों पर वोटर लिस्ट के सत्यापन का काम भी शुरू हो चुका है, लेकिन जिस तरह से गड़बड़ियाँ सामने आ रही हैं उससे एक बात साफ है कि आने वाले दिनों में कुछ और नए मामले भी आ सकते हैं। पंचायत चुनाव से ठीक पहले इन मामलों को सत्यापन किए जाने की बेहद ज़रूरत है ताकि पारदर्शी तरीके से उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव हो सकें। तो यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव और उनमें मिल रही गड़बड़ियों पर ये थी यूपी तक की खास पेशकश। प्रदेश की ताज़ा तरीन और बेहतरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।